हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री मनीषा कोइराला की एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपने कभी रियल लाइफ में नहीं देखी होगी। दरअसल हरिद्वार में मनीषा जोगन सन्यासन के लिबास में नजर आई हैं। मनीषा फिल्मों से सन्यास तो नहीं ले रही, लेकिन धर्म और आध्यात्म की राह पर चल पड़ी हैं। मनीषा हरिद्वार में पायलट बाबा के आश्रम में पहुंची। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मनीषा कोइराला की, सन्यासन के लिबास में मनीषा कोइराला जोगन बनी बैठी हैं। मनीषा कोइराला साधु सन्यासियों के साथ हरिद्वार में पायलट बाबा का आश्रम जहां मनीषा कोइराला पहुंची। पायलट बाबा विश्व कल्याण और विश्व शांति के लिए 11 दिन का महामृत्युंजय यज्ञ कर रहे हैं। मनीषा कोइराला पूरे परिवार के साथ इसी यज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। हरिद्वार की सड़कों पर जुलूस की शक्ल में निकली शोभा यात्रा। तो मनीषा कोइराला को हरिद्वार, गंगा तट और संतवाणी इतनी पसंद आ गई कि वो बार बार यहाँ आने को तैयार हैं। मनीषा फिल्मों से दूर नहीं हुई हैं, लेकिन धर्म अध्यात्म के करीब जरूर हुई हैं। पिताजी, मेरी माता जी और नेपाल से भी जो वो आए हुए बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। हरिद्वार में आना और इस तरह के यज्ञ में बैठना, तो ये भाग्य की बात, बाबा जी का आशीर्वाद है। संन्यास है ना, बहुत ही कठोर, क्या कहते हैं, टफ होता है। अब वक्त आएगा तो लूँगी, तो लेकिन अभी तो आई डोंट थिंक आई एम रेडी फॉर दैट। बहुत अंतर है, लेकिन कल जो मैंने बाबा जी से कि बाबा जी का प्रवचन सुना, और मेरा क्वेश्चन यही था उनके साथ कि संन्यास का मतलब क्या होता है। तो काफ़ी कुछ है, बस आई थिंक इट्स माई बेबी स्टेप। अच्छा लग रहा था कि हम लोग आए, गंगा जी में पैर डुबोया, बाबा जी का आशीर्वाद था, बाबा जी के साथ रह रहे हैं, उनका प्रवचन सुन रहे हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर हो रहा है, और सबसे मिलके हम लोग जो प्रसाद खा रहे हैं, बहुत ही अच्छा। हमेशा तो कुछ नया हमेशा ही होता रहता है, और मैं चाहूँगी कि मैं ऐसे पवित्र जगह में मैं हमेशा आती रहूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आना, मेरा लाइफ लाइन है, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, फिल्म में तो काम करना ही है। और मैं एक्चुअली यहाँ आने के दिन ही मैंने एक फिल्म भी साइन की है, फिल्म तो रह गई, मेरा फिल्मों से रिश्ता तो हमेशा जुड़ा। आध्यात्मिक फिल्मों की तरह तो मालूम नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक एक अलग फील्ड है और फिल्मों का जो है वो अलग है, तो मैं दोनों को बैलेंस करके जीना चाहती हूँ। राजकुमार संतोषी की फिल्म है, दूसरी कन्नड़ एंड तमिल फिल्म है, तो है दो तीन फिल्में। आजकल मनीषा कोइराला फिल्मों में बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, लेकिन कई बड़ी फिल्में उनके नाम पर हैं। दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे बड़े स्टार्स की फिल्म सौदागर की इलू इलू गर्ल के तौर पर आज भी याद किया जाता है मनीषा को। सौदागर उनकी पहली फिल्म थी, इसके बाद 1942 अ लव स्टोरी, बॉम्बे, अकेले हम अकेले तुम भी मनीषा की यादगार फिल्में मानी जाती हैं। क्या बोले।
दरअसल मनीषा कोइराला नेपाल के राजनीतिक कोइराला परिवार से आती हैं। उनके दादा बीपी कोइराला नेपाल के पीएम रह चुके हैं, उनके अंकल जीपी कोइराला और एमपी कोइराला भी पीएम रह चुके हैं, पिता प्रकाश कोइराला नेपाल सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं।